स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा और बैंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम अपने बोर्ड एग्जाम को देखें तो। वैसे ये सीयूईटी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करने के वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग को दो पार्ट में अगर बांट दे, एक तरफ होता है मुद्रा और दूसरा है बैंकिंग। बैंकिंग वाला पोर्शन हम बाद में देखेंगे, मुद्रा वाला पोर्शन शुरू करते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा वास्तव में एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। आज आप दुकान में जाइए, कुछ भी आपको खरीदना है, कुछ भी आपको बेचना है, आप मुद्रा यानी कि पैसे का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली पैसा ही बोलते हैं, भारत में बोलते हैं रुपया, तो रुपए का प्रयोग करते हैं। रुपया मतलब ये मुद्रा ही है, मुद्रा का रूप है जिसके माध्यम से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। आज के डेट में हर एक चीज की कीमत फिक्स है, हर एक चीज का मूल्य है। मूल्य मतलब मुद्रा के द्वारा तय किया गया मात्र, ठीक है। जैसे ये मार्कर है 20 रुपए का है, जैसे ये माइक्रोफोन है, जैसे ये हर एक चीज की कीमत फिक्स है। कैसे हो पाई है? क्योंकि मुद्रा के द्वारा ये संभव हो पाए। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? अब एक चीज और बात क्वेश्चन में आती है, जो क्वेश्चन दिमाग में आता है, पूछा जाता है मुद्रा का आविष्कार किसने किया। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर किसी बुक्स वगैरह में ढूंढेंगे, ठीक है ना, विकिपीडिया हो, इंक्लोपीडिया में अलग अलग जगह पे ढूंढेंगे मुद्रा का आविष्कार किसने किया, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है वास्तव में जिसका आविष्कार किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया। इसका आविष्कार हुआ है लोगों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, उनके पीछे जो समस्याएं थी उन समस्याओं का दूर करते हुए मुद्रा का विकास हुआ है, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ है। पुराने समय में मुद्रा का रूप कुछ और था, आज के समय में मुद्रा का रूप कुछ और है, और आने वाले कुछ सालों में भी मुद्रा का रूप बदलने वाला है। मुद्रा का रूप बदलता है लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार। तो हम बात कर रहे हैं मुद्रा के विकास की। एक समय था कि मुद्रा वास्तविक में जिस रूप में आप आज देखते हैं, रुपया, पैसा, डॉलर वगैरह, ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले यानी कि हजारों सालों पहले यहां से मुद्रा की जगह वस्तु का प्रयोग होता था, वस्तुओं का वस्तु के साथ विनिमय हुआ करता था। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्ति से अपनी वस्तुओं को आपस में क्या करते थे, अदला बदली करते थे, आपस में विनिमय करते थे, जिसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। इंग्लिश में कहते हैं उसको वार्टर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वस्तु विनिमय के बारे में। वस्तु विनिमय क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयों के बारे में इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको, ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय जैसे कि नाम से बोला वस्तुओं का विनिमय होता है। ये एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर डायरेक्टली वस्तुओं का वस्तुओं के साथ क्या होता है, अदला बदली होता है, लेन देन होता है। ये उस समय की बात है जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, मुद्रा का कोई भी उस समय जो है उद्भव नहीं हुआ था। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरों की आवश्यकताओं पर, एक दूसरों की परिपूर्ति पर निर्भर करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास कपड़े बहुत सारे, मैं कपड़े को काम करता हूं, मैं कपड़े बुनता हूं, लेकिन मुझे खाने को क्या चाहिए, खाना चाहिए, यानी कि हमारे खाने को क्या चाहिए, आटा चाहिए। अब आटा चाहिए, मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं। तो एक ऐसे आदमी जैसे सामने आप बैठे हैं और आपके पास क्या है, आपके पास आटा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको कपड़ों की नीड है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको कपड़े दे देंगे और बदले में आपसे आटा ले लेंगे। तो ये हो गया एक्सचेंज। यहां पर डायरेक्टली वस्तुओं का वस्तुओं के साथ क्या किया जाता है, अदला बदली किया जाता था, लेन देन किया जाता था एक दूसरे की पूर्ति के लिए, जिससे एक दूसरे की आवश्यकताएं, क्योंकि उस समय क्या था ना, उस समय लोगों की जरूरतें बहुत कम थी। लोगों की जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक ना। मकान भी क्या, छोटे झोपड़ी नुमा घरों में वो रहते थे, क्योंकि इतना ज्यादा विकसित नहीं होते जैसे आज के समय लोग। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने कह दिया कि मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं होगा, मुद्रा की जगह लोग वस्तु विनिमय करेंगे, क्या यह संभव है आज के समय में? बिल्कुल नहीं। आज के समय में वस्तु विनिमय संभव नहीं है जैसा कि हाँ वस्तु विनिमय होता है जैसे गाँव में। कैसे होता है गाँव में, जब धान गेहूं का उत्पादन होता है, लोग पैसे नहीं होते, धान कुछ लेके दुकान में लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर ही मुद्रा, क्योंकि उस धान को पहले तोलते हैं, उसके बदले में जितना रुपए बनता है उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बदले में वस्तुओं आपको दे देते हैं। तो वहां पर मुद्रा है, डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हुआ है।
पहले आपके धान गेहूं को मुद्रा में बदला गया, उसके आधार पर आपको वस्तुएं मिली, यानी कि ये वस्तु विनिमय का एक आधुनिक वर्जन है। हम यहां पर वस्तु विनिमय को पढ़ रहे हैं, मतलब एक ऐसी प्रणाली जहां पर डायरेक्टली वस्तुओं का वस्तुओं के साथ, सेवाओं का सेवाओं के साथ एक्सचेंज होता है। मान लो आप बाल कटाने बैठे हो नाई के पास, बाल कटा रहे हो, नाई कहेगा बाल काटने के बदले में मुझे क्या दो, मुझे कपड़े दो, मेरे पास घड़े दो, तो आप बाल कटवाने के बदले में मुद्रा नहीं वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग करते हैं तब बाल काटता है, तो यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। इसी चीज को प्रोफेसर आर पी कैंट ने एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में और बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया। उनका कहना है कि वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है, हमारा मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। मुद्रा यहाँ पर बीच में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं है, उसकी जगह पर आवश्यकता के लिए वस्तुओं का वस्तुओं के साथ लेन देन किया जाता है। वहीं पर एक दूसरी परिभाषा है एस ई थॉमस की, इनके अनुसार एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष विनिमय किया जाना वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब एक ऐसा प्रणाली जहां पर वस्तु देकर वस्तु लिया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली, इंग्लिश में वाटर सिस्टम कहते हैं। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यह सामान दिया, सामान ले लिया, कितना बढ़िया प्रणाली हो गई। लेकिन इस प्रणाली में लोगों के सामने, क्योंकि मनुष्य जो है ना दिमागदार, लोग अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तो उनके सामने वस्तु प्रणाली से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होने लगी। क्यों? क्योंकि वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग एक सीमित छोटे से दायरे में हो सकता है। यह तभी संभव है जब लोगों की आवश्यकताएं बहुत ही ज्यादा सीमित हो, उनकी आवश्यकताएं कम हो, केवल एक दो कुछ लोगों के अंदर ही उनकी आवश्यकताएं क्या होती है पूरी हो जाती हो। लेकिन ऐसा नहीं रहा, लोगों का विकास होता गया, लोगों अपनी जरूरतें बढ़ती गई, तो धीरे धीरे वस्तु विनिमय में तमाम परेशानियां आने लगी। कौन कौन सी परेशानी थी जो लोगों के सामने आने लगी, और ये वही परेशानियां थी, ये वही कठिनाइयां थी, ठीक है ना, जिसको दूर करते करते एटलीस्ट मुद्रा का उद्भव हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कौन कौन सी परेशानी थी जो लोगों के सामने आई, जिसको लोगों ने दूर किया और मुद्रा का आज के समय में एक आधुनिक वर्जन हमें मिल गया। तो इसकी परेशानियों की बात करते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो कठिनाइयां थी, सबसे पहली कठिनाई थी दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव, और दोहरा संयोग क्या होता है? दोहरा संयोग का मतलब होता है एक तरीका कोइंसिडेंस होना। देखिए, विनिमय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, मतलब एक व्यक्ति देने वाला और एक व्यक्ति लेने वाला। अब दोहरे संयोग का अभाव का मतलब होता है, पहले एग्जाम्पल का समझिए, ए और बी दो व्यक्ति है, ए को क्या चाहिए, ए को चाहिए अनाज, और ए के पास क्या है, ए के पास है घड़े। क्या चीज है? घड़े, ठीक है ना। अब ए के पास घड़े, ए चाहता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं जिसको घड़े की आवश्यकता हो, ठीक है ना, घड़े की आवश्यकता हो और उसके पास अनाज हो, ठीक ना। तो ये होता है दोहरा संयोग। पहला संयोग क्या, ए को बी मिल गया, बी के पास अनाज है और उसके घड़े की जरूरत है। दूसरी बात यह है, ये दोनों ही अदला बदली के लिए क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। अगर ए और बी आपस में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का एक्सचेंज यानी कि अदला बदली करने के लिए तैयार होते हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं दोहरे संयोग का होना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, दोहरे संयोग का अभाव होता गया, मतलब ए को सामान चाहिए तो बी जैसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल होता गया। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, मान लीजिए किसी का घर रुद्रपुर में है और उसको दिल्ली में जाके बसना हो, तो उसको रुद्रपुर का घर छोड़ के दिल्ली के किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो रुद्रपुर आना चाहता हो। क्या यह पॉसिबल है? क्या यह सिचुएशन बनना पॉसिबल है कि दिल्ली का घर छोड़ के रुद्रपुर में आए? वस्तु विनिमय में ऐसा ही करना
करना पड़ेगा, दो व्यक्तियों का ऐसा होना जो एक दूसरे से अपने घरों का अदला बदली कर सके, क्योंकि मुद्रा तो था नहीं। तो ऐसे में लोगों के सामने दोहरे संयोग का बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। कई बार तो लोगों को मिलता नहीं था, लोगों को भूखे रह जाना पड़ता था, लोगों की आवश्यकताएं दबानी पड़ जाती थी, पूरी नहीं हो पाती थी, बहुत दिक्कत होने लगी। तो पहली दिक्कत थी दोहरे संयोग का अभाव, कि किस तरह से एक्सचेंज करें। मुद्रा ने दोहरे संयोग के अभाव को आपको पता है ग्रस्त कर दिया कि आज हमें किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए हम दुकान में चले जाते हैं, पैसा दिया, सामान लेके घर, ठीक है ना, हमारी आवश्यकता पूरी। आपके पास क्या होना चाहिए? मुद्रा होनी चाहिए। ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी वस्तुओं का विभाजन करना। आज के समय में मुद्रा है, मुद्रा से कोई भी सामान खरीद के लेके आओ, महंगा सस्ता जैसा भी हो, ठीक है ना। लेकिन पुराने समय में कौन सी वस्तु सस्ती है, कौन सी वस्तु महंगी है, ये पता चलता उसकी उपलब्धि के आधार पर, ठीक है ना। वस्तु अवेलेबल है तो सस्ती, नहीं है तो महंगी। अब होता क्या है, होता यह है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास वो जानवर पालता है, वो जानवर यानी कि वो घोड़े पालता है, बकरी पालता है, उसके बाद बहुत सारे है, लेकिन उसको जो है अनाज की जरूरत है, बदलाइए अनाज भी चाहिए, उसको कपड़े भी चाहिए। अब एक बकरी के बदले में अनाज और कपड़ों कैसे लेगा, वो दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो वस्तुओं को वर्गों में बांटना, खासकर जो जीवित वस्तु है, जीवित वस्तुओं को वर्गीकृत करने में बहुत मुश्किलात आती थी, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो जानवर वगैरह पालता था उनको ऐसे में वो एक्सचेंज नहीं कर पाता था, ठीक है ना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम थी एक सर्वमान मूल्य मापक का अभाव। मान लीजिए दोहरा संयोग बिठा लिया, वस्तुओं का विभाजन भी कर लिया, तो किस आधार पर वस्तुओं का लेन देन करेंगे, किस वस्तु के बदले में। जैसे हम बात करते हैं कपड़े और अनाज की, कितने कपड़े के बदले में कितना अनाज आएगा या जाएगा, कितना कपड़ा दिया जाए अनाज के बदले में या अनाज, ठीक है ना, या कपड़े के बदले में कितना अनाज आएगा, इसका कोई फिक्स मापदंड नहीं था कि वस्तुओं को कैसे मापे, कैसे तोले, किस तरह से अदला बदली करें। एक फिक्स कोई भी ऐसी मात्रा नहीं थी उस टाइम जो प्रयोग में लाया जा सके। जैसे हर चीज आज के लिए मुद्रा में होता है, कपड़े को मापने के लिए मीटर है, ठीक है ना, और हमारे अनाज को मापने के लिए केजी है, तो दोनों को मुद्रा में कन्वर्ट कर लेते और एक्सचेंज कर लेते, ऑटोमेटिक काम पूरा बन गया। उस समय ऐसा कोई, अगर किसी गाँव में किसी एरिया में कोई मूल्य निर्धारित किया भी गया तो दूसरे गाँव में अलग था, तीसरे गाँव में और अलग था, ऐसा सर्वमान्य मूल्य नहीं था, कोई मूल्य का मापक नहीं था। एक प्रॉब्लम आए आज के डेट में, हर चीज मुद्रा में मापा जैसा था। आप कहीं पर कहते हो ये सामान हमारे उत्तराखंड में जो है दिल्ली में वही होगा, बिहार में वही होगा, मुद्रा से सब आसान हो गया। नेक्स्ट है मूल्य संचय में कठिनाई। लोग कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, हर कोई चाहता है कि अपने आय का कुछ भाग क्या करके रखे, बचा कर रखे भविष्य में प्रयोग करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उस समय तो आय किस तरह होती थी, वस्तुओं में होती थी। लोग खेती करते थे तो अनाज हो गया, बचा के रखा, थोड़ा स्टोर कर लिया, तो क्या वो लंबे समय तक कर सकते थे, क्योंकि स्टोरेज की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। लोग अपने यहाँ पर घड़ों में या फिर मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के, ठीक है, किसी ना किसी स्टोर करते थे कि वस्तुओं को लंबे समय तक आप जो है बचाकर, भविष्य के लिए बचाकर नहीं रह सकते, यानी कि मूल्य को आप संचय करके नहीं सकते। मान लीजिए अचानक बाढ़ आ गई, आपका सारा धान गेहूं खत्म हो गया, अब आपके सामने खाने के लाले पड़ गए, अब कुछ सामान चाहते हैं कि आटा दाल मिल जाए, सामने वाला आपको देगा ही नहीं, वो कह रहा है पहले सामान दो फिर मिलेगा। मतलब वस्तुओं का संचय करना मुश्किल था, यानी कि मूल्य का संचय करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मूल्य हस्तांतरण का अभाव। आप बीमार पड़ गए, आप मार्केट जा नहीं पा रहे हो, आपको वस्तुओं का अदला बदली करना है, कैसे करोगे। आपने पड़ोसी से कहा भाई मेरा सामान लेके जा, बदले में तुम भी लेके आना, वो कहेगा भाई मैं तेरा, मेरा सामान इतना सारा, मैं तेरा कैसे लेके जाऊं। तो आप अपने वैल्यू को हस्तांतरित नहीं कर सकते। आज के समय में दूर दराज कहीं पर बैठे हमारे रिश्तेदार है, पैसे चाहिए, मोबाइल उठाया, पैसे ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरण हो गया। उस समय उनको खाना चाहिए, कैसे खाना भेजोगे, अपने वस्तु उठा के लेके जाना पड़ेगा ना। तो बहुत परेशानी होती वस्तु के हस्तांतरण में, मूल्य के हस्तांतरण में, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, एक हाथ से दूसरे हाथ पे जाना, बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत ही समस्या आती थी। और इन्हीं समस्याओं को मुद्रा ने दूर किया। आज मुद्रा है, पैसे मोबाइल उठाओ,
किसी को भी भेज दो, क्या दिक्कत है? आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना है, अपने यहाँ का घर भेजो, पैसा आ गया, दूसरी जगह पर जाकर जगह खरीद लो, शिफ्ट हो गए। तो आज की डेट में मूल्य का हस्तांतरण बहुत ही सरल हो गया मुद्रा के माध्यम से, लेकिन वस्तु विनिमय में ऐसा पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट है भावी भुगतान का अभाव। भावी भुगतान का अभाव का मतलब होता है आज के समय में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो दुकान में जाते हैं, उसको उधार में खरीदते हैं, लेके आते हैं, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जब हमारे पास पैसे आते हैं पैसे चुका देते हैं, मतलब उधार की खरीद बिक्री। पुराने समय में जो भी एक्सचेंज होता था वो प्रत्यक्ष होता था, उधार में कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़े चाहिए, आप कपड़े वाले के पास गए, आपने कहा भाई मुझे कपड़े दे दो, मेरे पास अभी अनाज नहीं है, जैसे खेतों में अनाज उगेगा मैं आपको दे दूंगा, आप कपड़े दे दो, वो कहेगा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, जब तक तुम अनाज उगे तब तक तो मैं भी अनाज उगा लूंगा। तो यहां पर किस चीज की, भावी भुगतान की प्रॉब्लम थी, मतलब उधार क्रय विक्रय नहीं होता था, उधार लेन देन नहीं होता था, उधार अदला बदली नहीं होती थी। ये थी वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयां। अब धीरे धीरे इन कठिनाइयों को दूर करते चले गए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मनुष्य बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य के अंदर इतनी दिमाग है कि वो अपने आप सामने आने वाले परेशानियों को दूर कर सके। मनुष्य सोचता गया, हल निकालता गया, क्वेश्चन सॉल्व करता गया, हर एक चीज सॉल्यूशन आता गया, धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ। जैसे दोहरे संयोग का अभाव को दूर करने के लिए एक यूनिट तय किया गया, जैसे धातुओं का प्रयोग हुआ, कागजों का प्रयोग हुआ, सोना चांदी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग हुआ, उससे वस्तु का मूल्य तय होने शुरू हो गया। जैसे ही दोहरे संयोग और वर्तमान मूल्य के मापक की समस्या दूर हो गई, धीरे धीरे बाकी समस्याएं भी दूर होती चली गई और एक मुद्रा का एक बहुत ही ज्यादा आधुनिक रूप हमारे सामने आ गया। अब रूप क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के कौन कौन से कार्य है, मुद्रा के कौन कौन से रूप है, इन सब चीजों के बारे में अगली क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर केवल और केवल मुद्रा के बारे में बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका, और हां अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।